Good afternoon, friends. I'm Sonal Agarwal from Winworld Reality Services. Today, I've come here with the project name MR Dizzy Home. So, ये जो MR है, ये अब MGF से अलग हो चुका है. This is actual what MR is. MR वही है जिसने world का सबसे tallest tower बनाया, बुर्ज खलीफा. And Dubai Mall, which is the largest mall of the world, is also made through MR. तो अब हम समझ सकते हैं कि MR क्या चीज़ है और MR ने क्या बनाया है. सो मैं अब आपको MR Dizzy Home का एक छोटा सा मॉडल दिखाना चाहूँगी. सो लेट्स कम दिस साइड. ये एक छोटा सा मॉक है MR Dizzy Home का. सो देर आर थ्री टावर, टावर ए, टावर बी एंड टावर सी. सो ये जो टावर है ये एक दूसरे के डायगनल में है, ये एक दूसरे के एडजॉइनिंग में बिल्कुल भी नहीं है, जिस वजह से यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रीनरी और बहुत अच्छा ओपन स्पेस है. MR Dizzy Home is located in Golf Course Extension Road. Golf Course Extension Road हालांकि बहुत बड़ी रोड है, but MR Dizzy Home is bang close to Golf Course Road. Suppose for example मैं आपको बताती हूँ, किसी को Golf Course Road में घर लेना है and उसका वहाँ का budget suitable नहीं है और maybe any other reason can go for MR Dizzy Home. और the best part of MR Dizzy Home is MR Dizzy Home में 2 BHK और 3 BHK दोनों apartments available हैं. The construction of this tower is done through JMC company of Kalpatru Group and the architect consultant is Morphogenius who have also designed Trump Tower and the landscape consultant is Oracle who have executed M3M Golf State. They have used the aluminium formwork and the wall over here are very concrete and they act as a pillar and this is a Griha certified project. Ab main aapko club ke bare mein batati hu. The club is named as Social Hub. So this club is spread in the area of 30,000 square feet and this is a three story club. The amenities are tennis court, half basketball court, yoga terrace, international standard gym, spa and saloon, co-working office space, AV room, cultural court, mini theater, amphitheater, temperature controlled swimming pool, kids play area and crèche. And the most important thing is the entire parking is in the basement area including visitor, friends and families. As soon as the vehicle enters, it will directly go to the basement making the area car free zone. So friends, अब मैं आपको ना car free zone के बारे में थोड़ा सा brief कर देती हूँ. जब कार हमारी बेसिकली ये एंट्री जोन है हमारा, कार हमारी यहाँ से आएगी और ये ड्रॉप ऑफ जोन है. दिस इज़ द ड्रॉप ऑफ जोन फॉर टावर ए. सो अगर किसी को ड्रॉप करना है, पिक करना है, वो यहाँ पे आके कार रुकेगी, यहाँ से हम ड्रॉप कर देंगे और फिर आगे ये दिस इज़ द डायरेक्शन, दिस इज़ द रूट जहाँ से कार हमारी सीधा बेसमेंट में जाएगी. सो ये टावर बी का ड्रॉप ऑफ जोन है एंड ये टावर सी का ड्रॉप ऑफ जोन है. आगे मैं बढ़ते हुए आपको दिखाती हूँ. सो जो एग्ज़िट है वो बिल्कुल टावर के पीछे से है. दिस इज़ द एग्ज़िट पॉइंट जहाँ से कार निकलेगी और सीधा एग्ज़िट पॉइंट से निकलते हुए बाहर को चली जाएगी. सो ये एरिया पूरा कार फ्री जोन बन जाएगा एज़ बिकॉज़ यहाँ पे आप देखिए कहीं पे भी गाड़ी अंदर नहीं आ रही है. तो जॉगिंग, बच्चे आराम से खेल सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं लोग, कोई भी इशू नहीं होने वाला है. तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ हाफ बास्केटबॉल कोर्ट एंड टेनिस कोर्ट. यहाँ पे आइए आप, मैं आपको दिखाती हूँ. दिस इज़ किड्स प्ले एरिया, ठीक है. ये लोग जॉगिंग, दिस इज़ अ जॉगिंग ट्रैक, दिस इज़ अ वेरी बिग जॉगिंग ट्रैक. कहीं पे भी कोई हिंड्रेंस नहीं है, कार का कुछ नहीं है. एंड दिस इज़ द इन्फिनिटी पूल, दिस इज़ अ टेम्परेचर कंट्रोल इन्फिनिटी पूल. द बेस्ट पार्ट इज़ दैट जब टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल की हम बात करते हैं तो हम इसको ऑल 12 मंथ्स वी कैन यूज़ दिस स्विमिंग पूल. अगर सपोज करिए कि टेम्परेचर कंट्रोल ना होता तो हम 3 या 4 मंथ्स ही इसको यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि बारिश आने के बाद पानी ठंडा हो जाता है, वॉट एवर. तो ये कंट्रोल होने से हम इस विंटर्स में भी इसमें अब आराम से मज़े ले सकते हैं. सो देर आर थ्री टावर्स, टावर ए, टावर बी एंड टावर सी एंड ईच टावर हैज़ 32 स्टोरेज एंड इन ईच फ्लोर वी हैव 4 अपार्टमेंट्स एंड ऑल दी अपार्टमेंट्स आर कॉर्नर फेसिंग अपार्टमेंट एंड टॉप 2 अपार्टमेंट्स ये जो है यहाँ पे, दिस आर ओनली द टॉप 2 अपार्टमेंट्स हैव जस्ट 2 अपार्टमेंट्स एंड ऑल द एल्स हैव 4 अपार्टमेंट्स. टावर ए इज 3 BHK एंड टावर बी एंड सी इज 2 BHK अपार्टमेंट्स. सो द MR Dizzy Home इज स्प्रेड इन द एरिया 5.64 एकर्स. तो यहाँ पे 80% ओपन है और 65% यहाँ पे ग्रीनरी है एज बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज ग्रीहा सर्टिफाइड प्रोडक्ट. एज बिकॉज यहाँ पे हर टावर में बहुत अच्छा गैप है, हमें यहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन, सन लाइट और नेचुरल लाइट का बहुत अच्छा प्रोविजन मिलेगा. सो फ्रेंड्स, दिस इज अ काइंड ऑफ लॉबी विच दे विल प्रोवाइड
in every tower. So this is a lobby of a sample apartment. So यहाँ पे जो amenities है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ. There is a cafeteria, there is a co-working office space, there is a kids play area, crèche, sitting area. और हर apartment में, हर tower के नीचे हमें different सब में lobby मिलेगी और सब में different amenities होगी. So friends, we are standing outside the sample flat of 2 BHK of MRDZ home. So this is the sample flat of 2 BHK. मैं आपको बताती हूँ, this is a video door phone which can be accessed through our mobile app, through which we can see what activities are going outside our apartment. And this is a smart door lock. This can be operated in 4 ways. Let me show you. Number one is, this is manual. Number two is, we can set a particular pattern over here. Number three is biometric, and number four is through mobile access. So let's get in, friends. This is a factory engineered wooden door with number one rating, which can resist fire up to 1 hour. So this is the beautiful living and dining area. This is the L-shaped living and dining area. So this is 1508 square feet. Floorings are premium marble tiles. So let me show you the first opening of 2 BHK apartment. So friends, this is the first opening of 2 BHK apartment. So friends, this is a sliding door. There are two doors. One is the mess door and other is the glass door. So this is the first opening of 2 BHK apartment, a very usable size, a very perfect size. यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन, नेचुरल लाइट और सनलाइट आप देख सकते हैं कितना अच्छा ड्राइंग लिविंग एरिया में, डाइनिंग एरिया में बहुत अच्छी नेचुरल लाइट और सनलाइट आएगी. यहाँ पे कंप्लीट होम ऑटोमेशन सिस्टम है. यहाँ पे एक सिंगल डिवाइस से हम सब चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, सपोज मैं ये बोल रही हूँ आई एम होम, तो ऑटोमेटिकली लाइट स्विच ऑन हो जाएगी, एयर कंडीशन जिस टेम्परेचर हमने सेट कर रखा है वो स्विच ऑन हो जाएगा. और उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ तो लिविंग रूम के कर्टन्स खुल जाएंगे एंड सारी कुछ जैसे हम अपने मैनुअल तरीके से करते हैं ना, जाके लाइट स्विच ऑन करते हैं या रिमोट से एसी ऑन करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा और ऑटोमेटिकली सब स्विच ऑन हो जाएगा. तो ये डिवाइस हमारे हर जगह पे रखा हुआ है, लिविंग रूम, किचन, बेडरूम्स, एवरीवेयर ये डिवाइसेस है. कर्टन्स खोलने, कर्टन्स बंद करने, जस्ट एक कमांड चाहिए और वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा. दिस इज़ द किचन ऑफ 2 BHK अपार्टमेंट, अ वेरी परफेक्ट, अ वेरी यूजेबल साइज ऑफ किचन. So what they are providing us is this upper cabinet, lower cabinet, all with all modular fittings and soft touch insert. And what else they are providing is granite, hob, chimney, sink and geyser. So let me show you the second opening of this 2 BHK apartment, which is the utility area. So this is the washing area and this is the VRV unit. So friend, I would also like to show you, they are also providing us camera for maximum security inside the apartment. So let me show you the first room of this apartment, which is designed as the kids room. We can design it according to our requirement, like guest room or any other thing. The area is 13 by 13. This is the huge cabinet area which they are providing. The area of cabinet is separated from the usable bedroom area. Again, we can see here, there is an opening in our kids' bedroom. So this is a running balcony which has also access with our master bedroom, that I'll show you when we enter the master bedroom. The flooring of the rooms in 2 BHK and 3 BHK apartment is laminated wooden flooring. So friends, now let me show you the master bedroom of 2 BHK apartment. As soon as we enter the master bedroom, there is a closet in the room. We can see this. And friends, this is the washroom of master bedroom. What a huge, what a good size of washroom we can see, with all the premium fittings. And this is the shower cubicle which the builder is providing in 2 BHK apartment of master bedroom. And the tiles of
washroom are anti-skid tiles. So friends, this is the master bedroom. So this is the laminated wooden flooring which is done in the master bedroom, and we can see the size. This is a very usable size, a very thoughtful layout of this room. And this is the opening of the master bedroom. This is a running balcony जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, जो kids room और master bedroom दोनों से जिसका access है. Balcony का size बहुत ही अच्छा, बहुत ही usable size है 2 BHK apartment के हिसाब से. और दूसरी बात, ये जो यहाँ के apartments हैं ना, ये अरावली facing apartments है, तो यहाँ से हम imagine कर सकते हैं कि कितना अच्छा view हमें मिलने वाला है जितने हम ऊपर रहेंगे. For example, हम 20 फ्लोर से ऊपर जाते जाए तो वहाँ से व्यू तो इतना अच्छा आएगा जिसका कहना ही क्या है. सपोज़ हम सुबह मॉर्निंग टी इन्जॉय कर रहे हैं न्यूज़पेपर के साथ या जो भी है, तो उसके लिए मैं आपको बता नहीं सकती. MRDZ होम इज़ द परफेक्ट प्लेस टू लिव इन. सो फ्रेंड्स, नाउ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द सैम्पल फ्लैट ऑफ 3 BHK अपार्टमेंट ऑफ MRDZ होम. सो दिस इज़ 2567 स्क्वायर फिट. तो अब मैं आपको बताती हूँ ये वीडियो डोर फोन के बारे में. दिस इज़ अ वीडियो डोर फोन. दिस कैन बी एक्सेस थ्रू मोबाइल, थ्रू विच वी कैन सी द एक्टिविटीज दैट आर गोइंग आउटसाइड आवर अपार्टमेंट. दिस इज़ द स्मार्ट डोर लॉक विच कैन बी एक्सेस इन 4 वेज. सो जो 2 BHK अपार्टमेंट में थे, वही सेम 3 BHK अपार्टमेंट में है. सो लेट्स गेट इन. सो दिस इज़ द ब्यूटिफुल एंट्री फॉयर विच इंक्रीजेज द सेंस ऑफ अराइवल. Now let me show you the main part of this 3 BHK apartment. This time the builder is not providing 3 BHK, they are providing us 3.5 BHK apartment. So this is this half BHK space of 3 BHK apartment. So we can see there is an air condition available over here. And this is the half bedroom. Suppose हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा है और उसके लिए हमें caretaker चाहिए, तो this will act as a complete caretaker room. There is a balcony over here and with a glass partition, and there is a washroom also available for half BHK apartment outside. Suppose हम दूसरा incident लें कि there is a kid in the house who needs a study area, so this can act as a study area. Thirdly, गुड़गांव में हम mostly देखते हैं कि सारे working couples हैं, so for working couples they need a working space, so this can act as a working space also. और बाकी हम अपने requirement के हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं. वी कैन मेक इट अ पूजा रूम, वी कैन मेक इट अ फैमिली लाउंज, दैट डिपेंड्स अपॉन अस. सो नाउ लेट मी शो यू द इंटायर 3 BHK अपार्टमेंट. सो दिस इज द इटालियन फ्लोरिंग विच द बिल्डर इज गिविंग अस. नाउ लेट मी शो यू द किचन ऑफ 3 BHK अपार्टमेंट. सो दिस इज द किचन ऑफ 3 BHK अपार्टमेंट. सो वॉट द बिल्डर इज प्रोवाइडिंग अस इज दिस अपर कैबिनेट, this lower cabinet with all the modular fittings and soft touch insert. They are also providing us granite, hob, chimney, sink and geyser. So now let me show you the first opening of 3 BHK apartment, that is the utility balcony. So this is the utility balcony. यहाँ आप देख पा रहे, this is the laundry area or the washing area. And this is the space provided for VRV unit. And this is the washroom for that half bedroom. You can see this is a very usable size of washroom. The fittings which they have provided is all premium fittings. So let me also tell you one more thing. आप देख पा रहे होंगे दिस इज द फर्स्ट ओपनिंग और यहाँ पे मैक्सिमम ग्लास इंसर्ट्स है. दिस आर फॉर क्रॉस वेंटिलेशन, सनलाइट एंड नेचुरल लाइट. सो नाउ लेट मी शो यू द रेस्ट ऑफ द अपार्टमेंट. दिस इज अ ब्यूटिफुल लिविंग एंड डाइनिंग एरिया विद अ साइज ऑफ 14 by 22.5 feet. And what enhances the beauty of this living and dining area is this beautiful balcony. So let me show you this balcony. So this is a sliding door. They are providing us two doors. One is the mess door and other is the sliding door.
they are providing this two doors just to ensure the maximum sunlight and cross ventilation inside the apartment. So what a beautiful size of balcony. We can see the size. So the size is 14 by 5.5 feet. And the best part of this balcony, I'd like to tell you, is the balcony is three side closed balcony. So due to which we can have the private space in this balcony. One more thing I would like to say is the balcony have the access with a with one of the bedroom also, which I'll show you when I'll show the bedroom. आप देख पा रहे होंगे इस बालकनी की ओपनिंग, ये इतनी ह्यूज, इतनी बड़ी ओपनिंग है ना. यहाँ पे लाइट, अगर हम लिविंग रूम में बैठे तो हमें नेचुरल लाइट इतनी अच्छी आएगी कि हमें लाइट्स वाइट्स की कोई मतलब लाइट जलाने की या कुछ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. इतनी ह्यूज और इतनी अच्छी स्पेस बनाई हुई है. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी होम ऑटोमेशन सिस्टम है, जैसा मैंने आपको 2 BHK में दिखाया था. लेट मी शो यू. ओके गूगल, हाउ आर यू? I'm fine. You're very kind to ask, especially in these tempestuous times. So यहाँ पे बेडरूम्स में, लिविंग रूम में, किचन एरिया में, हर जगह ये गूगल के डिवाइस रखे हुए हैं, जिससे हम टेम्परेचर कंट्रोल करना चाहें वो कर सकते हैं. सपोज हम कहीं बाहर जा रहे हैं, एक कमांड से हम पूरा घर लॉक कर सकते हैं, और हम अंदर आ रहे हैं, एक कमांड से यहाँ की लाइट्स, एयर कंडीशन सब ऑन हो जाएंगे. तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ MR Dizzy Home. एज MR Dizzy Home के नाम पे डिजी है, मतलब डिजिटल, तो यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि हमें चीज़ें डिजिटल ही मिलने वाली है. मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी. हम देख पा रहे हैं दिस इज़ द किचन. सो किचन में ये ग्लास पार्टीशन लगाया हुआ है, तो ये हमारी अपनी चॉइस है. सपोज हमें प्राइवेसी चाहिए या कुछ चाहिए, अगर मैं, ये मेरा घर होता तो मैं ये ग्लास पार्टीशन ज़रूर लगाती. अगर हमें ये ग्लास पार्टीशन नहीं चाहिए तो यहाँ पे हम पूरी वॉल करा सकते हैं, और सपोज़ हमें ये एरिया ओपन चाहिए तो हम ये ग्लास हटा सकते हैं. तो वो टोटली हमारी चॉइस है कि हमें क्या करना है या क्या नहीं करना है. एज़ वी नो दैट दिस इज़ अ गृह सर्टिफाइड प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे हमें हर कॉर्नर पे, वेदर 2 BHK हो या 3 BHK हो, हमें ओपनिंग्स मिलेगी. यहाँ पे भी आप देखें, यहाँ पे एक ओपनिंग है. सो दिस ओपनिंग इज़ जस्ट फॉर क्रॉस वेंटिलेशन, नेचुरल लाइट and ventilation. So friends, let me show you the first bedroom of this apartment. So let's get in. फिलहाल इसको as a family lounge बनाया गया है, तो but we can create it according to our requirement. हम इसको guest room बना सकते, हमारे grandparents room बना सकते, वो हम पे depend करता है. So this is the storage space of this room. तो वो हम जैसे भी रूम बनवाएंगे उस हिसाब से हम स्टोरेज क्रिएट कर सकते हैं. फिलहाल इन लोगों ने फैमिली लाउंज यहाँ पे बनाया हुआ है, तो वैसे ही थोड़ा सा उसी तरीके से इसको क्रिएट किया गया है. सो अगेन मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, ये देखिए, ये ओपनिंग यहाँ पे भी आपको मिलेगी. सो ये ओपनिंग आप देख पा रहे होंगे. सो दिस इज़ फॉर क्रॉस वेंटिलेशन एंड फॉर नेचुरल लाइट एंड सनलाइट. सो नाउ लेट मी शो यू द वॉशरूम ऑफ दिस रूम. सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द वॉशरूम. Total fittings are of premium quality fittings, and here again we can see the opening given in this washroom also, just to ensure the natural light and cross ventilation. And the tiles given are anti-skid tiles. Now let me show you the second room of this apartment. So this is designed as the kids room. You can see, again we can see here are two openings. ये openings की वजह से ये room कितना bright लग रहा है. कोई और light की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, because इतनी बड़ी बड़ी openings दी हुई है यहाँ पे. यहाँ पे पूरे, यहाँ best part यही है कि यहाँ पे हर corner में यहाँ पे openings हमें मिलेगी. और मैं एक पॉइंट और आपको बताना चाहूँगी, जो 2 BHK एंड 3 BHK, ऑल दी फ्लोरिंग्स आर लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग्स, एंड ऑल दी गेट साइज ऑफ 3 BHK आर 8.5 feet. दिस इज द सेम बालकनी ऑफ लिविंग एंड डाइनिंग एरिया, जो मैंने आपको पहले बताया था कि बेडरूम के साथ एक्सेस है. तो यही वो बेडरूम है जिसके साथ इस बालकनी का एक्सेस है. So friends, now let me show you the common washroom for living dining area and for the kids room. All the fittings and CP fittings are of premium quality, and the tiles are anti-skid tiles. So
So now let me show you the master bedroom of 3 BHK apartment of MRDC Home. So let's get in. So friends, this is the master bedroom of 3 BHK apartment of MRDC Home. Here again we can see the huge storage space. You can see space kitna acha space hai. Aaj ke din mein aapko pata hai hame space ki kitni zyada requirement hai, because hamare paas aajkal saman zyada hota hai, storage kam hota hai. Aur yahan pe complete har jagah pe aapko home automation system provide kiya gaya hai. And the best part of this room is the washroom which they have given in 3 BHK apartment. All the fittings we can see of premium quality. They are also providing the shower cubicle in the master bedroom. So ab main aapko dikhati hu private balcony of master bedroom. So this is the balcony of master bedroom. So good 5.5 feet balcony you can see. सो बालकनी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से आपको अरावली का व्यू मिलेगा. ये छोटा सा एक सैम्पल क्रिएट किया गया है सैम्पल फ्लैट से. सो बेसिकली हम जितना ऊपर जाएंगे ना, हमें व्यू उतना अच्छा मिलेगा, हमें सनलाइट नेचुरल लाइट हमारी उतनी अच्छी आएगी. यहाँ बैठ के हम कुछ भी अपने फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करना है, या फिर हम एक चाय का मज़ा ले रहे हैं, या सुबह सुबह बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस टू डू दैट. सो फ्रेंड्स, अभी हम MRDC होम के साइट पर खड़े हैं. तो ये आप देख पा रहे हैं, ये 3 टावर है, टावर ए, टावर बी एंड टावर सी. टावर ए जो है वो 3 BHK अपार्टमेंट है, टावर बी 2 BHK और टावर सी भी 2 BHK अपार्टमेंट है. ये जो क्लब हाउस है वो वही टावर वही है, दैट इज़ नोन एज सोशल हब. वो एक 3-स्टोरी बिल्डिंग है और हम देख रहे हैं कि ये इसका एक्सटीरियर ऑलमोस्ट पूरा का पूरा रेडी है. इसकी बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है. दिस 3 टावर्स आर डायगनली प्लेस्ड so that we can get 270 degree of view from each apartment. आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि सारे अपार्टमेंट जो है वो कॉर्नर फेसिंग है और सब में 3 साइड ओपनिंग्स है, जिस वजह से हमें क्रॉस वेंटिलेशन और नेचुरल लाइट एंड सनलाइट का बहुत अच्छा व्यू मिलेगा. अब हम कनेक्टिविटी की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हॉस्पिटल्स की कनेक्टिविटी. इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल W प्रतीक्षा हॉस्पिटल इज जस्ट विद इन द 3 किलोमीटर ऑफ एरिया. और स्कूल्स अगर मैं आपको बताऊं तो हेरिटेज स्कूल, CGS इंटरनेशनल स्कूल, लोटस वैली स्कूल आर जस्ट नियर बाय MRDC होम. तो थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर वीडियो ऑफ MRDC होम. अगर आपको कोई भी क्वेरीज इससे रिलेटेड तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा. एंड डू फॉलो आवर सोशल मीडिया एंड इंस्टाग्राम पेज. थैंक यू.